टू माई चैनल आज मैं आपके साथ क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक क्वेश्चन शेयर करूँगी ठीक है तो आज मैं इस वीडियो में आपको ट्वेल्थ क्लास के जो इम्पॉटेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो शेयर करूँगी वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो आपके टीचर्स आपको प्रिपेयर करा रहे हो बार बार आपको प्री बोर्ड्स वगैरह में दे रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली आपको रिवाइज़ करने हैं बस इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि, कि किस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ठीक है थीके? तो चलिए शुरू करते हैं आपको प्रिपेयर सब कुछ करना है ओके तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्टॉक एंड फ्लो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो डिफाइन क्रॉस इन्वेस्टमेंट द नेक्स्ट वन इज गिव टू एग्जाम्पल ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट फोर्थ वन डिफाइन एक्सटर्नलिटीज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है बच्चों इफ रियल जीडीपी इज रुपीज टू हंड्रेड एंड प्राइस इंडेक्स विद बेस इक्वल टू हंड्रेड इज वन हंड्रेड टेन कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी क्वेश्चन सिक्स इफ नॉमिनल जीडीपी इज ट्वेल्व हंड्रेड एंड द प्राइस इंडेक्स विद बेस हंड्रेड इज वन ट्वेंटी कैलकुलेट द रियल जी डी पी क्वेश्चन सेवन गिव रियल give reason explain whether the following are included in domestic product of India next question 8 define the problem of double counting in the computation of national income state two approaches to correct the problem of double counting Aage chalte hai. 9.

how will you treat the following while counting the domestic product of india give reason for your answer Pro first step profit earned by foreign company in india salary of indian resident working in Russia russian embassy in india Question number eleven: Government spend on child immunization program. Analyze its impact on GDP and the welfare of people. Question number twelve: How will you treat the following while estimating the domestic product of a country? Give reason for your answer. Question first: profit earned by branches of country bank in other countries. B is gift are given by employer to his employees on independent day. सी है परचेज ऑफ गुड बाय फॉरन टूरिस्ट थर्टीन की तरफ चलते हैं आई होप आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल हो रहा हो थर्टीन एक्सप्लेन द प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मैथड बाई वैल्यू एडिड मैथड क्वेश्चन नंबर थर्टीन है डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द कंपिटिशन ऑफ ने इकम स्टेट एनी टू अप्रोचेज टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डज नॉट गिव अस क्लियर इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ कंट्री डिपेंड ऑन डिफेंड और रिफ्यूड द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है डिफाइन वैल्यू एडिशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम जी बोल रहे थे फ्लो वेरिएबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप Question number seventy. What are non-monetary exchanges? Discuss with suitable example. Question number eighteen. Explain the national income equilibrium through aggregate demand and aggregate supply. Use diagram. Also explain the changes that take place in the economy when economy is not in equilibrium. Question number nineteen. In an economy, the saving function and investment from the following data calculate equilibrium level of national income question b a consumption expenditure at equilibrium level of income question 20 explain the working of investment multipliers विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप एग्ज़ाम्पल अगर बच्चों आपको ना वो चाहिए इन सब के सोल्यूशनस भी चाहिए इनके साथ ही क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है ठीक है नहीं तो मुझे इसके साथ सोलूशनस भी ऐड करने थे पर मैंने सोल्यूशनस ऐड नहीं किए ठीक है थीके? तो ही इनको ऐसे बनाया है अगर आपको सोल्यूशन के साथ भी वीडियो चाहिए ना तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर कर बता देना थोड़े टाइम तक मैं अब सोल्यूशन वाली भी अपलोड कर दूँगी अगर इनके सोल्यूशन चाहिए कि किस तरीके से बोर्ड्स में लिखने हैं बाकी ये यार पूरे उसका टर्म टू का ठीक है और काफी उससे अच्छी तरीके से बनाया गया है ये कि किस तरीके क्वेश्चन आएंगे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे बस आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है बार बार प्रीवियस ईयर्स को देखो उनको देखो कि कहाँ से कैसे पोर्शन से क्वेश्चन उठाएं कैसे आए हैं तो वैसे क्वेश्चन ही रिपीट करते हैं सेम ही आता है ऐसा नहीं है कि हर साल नया क्वेश्चन ही बनेगा ठीक है और अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर, कर बता देना मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी क्योंकि आजकल कर मैं क्लास टेंथ के ऊपर अपलोड कर रही थी तो ट्वेल्थ के ऊपर इतना टाइम नहीं मिल रहा था अपलोड करने में ठीक है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू